नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। सीआरपीएफ में आरक्षक पद पर भर्ती निकली थी। इस दौरान सीआरपीएफ बंगर सिया कैंपस में भी भर्ती प्रक्रिया हुई। इस भर्ती प्रक्रिया में देश भर से आए अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें से 9 अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान असम का मूल निवासी प्रमाण पत्र अपने अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया था। सीआरपीएफ कैंपस में 17 जुलाई को आयोजित दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी मंजीत, रजनीश, देवानंद, नवनीत, विपिन कुशवाहा, शिवम कश्यप, विवेक कुमार, कमला सिंह और आदर्श कुमार के मूल निवासी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। चूंकि असम के निवासी अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल टेस्ट के दौरान हाइट में छूट मिलती है, इसलिए इन सभी ने इस छूट का लाभ लेने के लिए असम में फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र तैयार कराया था। सर, थाना मिश्रो क्षेत्र में सर सीआरपीएफ आरक्षकों को भर्ती को लेकर सर घोटाले का मामला सामने आया। सर, क्या था पूरा मामला? सीआरपीएफ का बंगरेसी स्थित कैंप में आरक्षक भर्ती के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने वहां पर नकली दस्तावेज सबमिट किए, जिसमें मध्य प्रदेश के आधार कार्ड वगैरह लगाए। जब परीक्षण पर गलत पाए तो सीआरपीएफ के अधिकारियों की रिपोर्ट पर धोखाधड़ी और कूटच दस्तावेज का केस रजिस्टर किया गया। सर, लगभग इसमें कितने लोग आरोपी बने? 9 लोगों का भी बने हैं और कुछ इन्वॉल्व होंगे तो बाद में बनेंगे।